आज का संपूर्ण पंचांग हम जानेंगे। इससे पहले हम सभी मिलकर एक बार उन सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं जिनका आज जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे शनि देव की कृपा से आपकी जीवन की सारी बाधाओं का अंत हो। साथ ही जिनका आज मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको शिव और माता पार्वती की तरह आप लोगों की जोड़ी बनी रहे। अब साथ में जो लोग इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप लोगों की मंगलमय की कामना भगवान श्री गणेश से। तो चलिए अब बात करते हैं आज की पंचांग के बारे में। आज आइए जाने आज का पूरा पंचांग। आज का पंचांग 20 अगस्त 2024 भाद्रपद मास की प्रतिपदा तिथि के दिन क्या होगा पूजा का शुभ मुहूर्त। यहाँ जाने पूरा पंचांग। आज का पंचांग 20 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने की प्रतिपदा तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा। वहीं आज के दिन शतभिषा नक्षत्र रहेगा। आइए जाने आज का पूरा पंचांग। आज का पंचांग 20 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने की प्रतिपदा तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा। आज के दिन अभिजीत सुबह के 11:53 से दोपहर के 12:42 तक रहने वाला है। आज के दिन राहुकाल का समय दोपहर 3:00 से 4:30 तक रहेगा। आज के दिन संध्या पूजन 6:21 से 7:21 तक रहेगा। आइए जाने आज का पूरा पंचांग। भाद्रपद महीने की व्रत त्योहार। आज का पंचांग 20 अगस्त 2024 संवत पिंगला विक्रम संवत 2081 माह भाद्रपद कृष्ण पक्ष। तिथि प्रतिपदा व्रत व पर्व भादो प्रथम दिवस व्रत। दिवस मंगलवार। सूर्योदय सुबह के 5:44 सूर्यास्त 7:02। नक्षत्र शतभिषा। चंद्र राशि कुंभ स्वामी ग्रह शनि। सूर्य राशि सिंह स्वामी सूर्य। करण बालव सुबह के 10:27 तक फिर कौलव। योग अतिगण 9 PM तक फिर सुकर्मा। शुभ मुहूर्त 1 अभिजीत सुबह के 11:53 से दोपहर के 12:42। 2 विजय मुहूर्त दोपहर के 2:22 से दोपहर के 3:25 तक। 3 गोधूली मुहूर्त 6:20 से 7:26 तक। 4 ब्रह्म मुहूर्त 4:06 से सुबह के 5:07 तक। 5 अमृतकाल सुबह के 6:04 से 7:55 AM तक। 6 निशीतकाल मुहूर्त रात्रि 11:54 से 12:43 तक रात। संध्या पूजन 6:21 से 7:21 तक। दिशाशूल उत्तर दिशा। इस दिशा में यात्रा से बचें। दिशाशूल के दिन उस दिशा की यात्रा करने से बचते हैं। यदि आवश्यक है तो 1 दिन पहले प्रस्थान निकालकर फिर उसको लेकर यात्रा करें। अशुभ मुहूर्त राहुकाल दोपहर 3:00 से 4:30 तक। क्या करें आज भाद्रपद माह का प्रतिपदा व्रत है। मंगलवार का पवित्र व्रत है। जी की उपासना करें। बजरंग बली जी की भक्ति प्राप्ति का व्रत रहें। आज मंगलवार है। मंगल व शनि ग्रह जनित कष्ट का उपाय भी करें। मंगलवार का उपवास अनवरत करें। सत्य पर ध्यान दें। श्री राम जी की उपासना करें। हनुमान जी को प्रसन्न करना सहज भक्ति भाव से ही आसान हो जाएगा। आज बहुत पवित्र तिथि है। सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें। शिवलिंग की उपासना करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। अन्न व फलों का दान करें। शिव मंदिर परिसर में बेल व पीपल का पेड़ लगाएं। आज मीठे जल से रुद्राभिषेक करने से सभी कष्ट समाप्त होते हैं। मधु से रुद्राभिषेक करने से धन संपदा व ऐश्वर्य का सुआगमन होता है। तीर्थ करें। विग्रह पूजन करें। घर में पारद का शिवलिंग लाकर उनकी उपासना व मधु तथा जलाभिषेक से भगवान शिव की अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। धार्मिक पुस्तकों का दान करें। हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। क्या ना करें बड़े भाई का अपमान मत करें। मित्रों अभी तक आपने जाना कि आज का पंचांग क्या है। पंचांग के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आगे दे रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस ना कीजिएगा। आखिर में हमें पंचांग क्यों देखना चाहिए। पंचांग क्या होता है। पंचांग ज्योतिष के 5 अंगों का मेल है।
जिसमें तिथि, वार, करण, योग और नक्षत्र का जिक्र होता है। हर दिन की तिथि का निर्धारण सूर्य और चंद्रमा में भेद के आधार पर होता है और पंचांग के आधार पर हर दिन के शुभ अशुभ समय का निर्धारण करते हैं। इसके आधार पर अपने काम को आसान बनाते हैं। आज का पंचांग में तिथि, पक्ष, माह, नक्षत्र भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि हर एक शुभ कार्य के लिए अलग अलग नक्षत्र होता है। सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय के कुछ पहर पहले तक ही एक तिथि मानी जाती। चंद्रमा का स्थान, जिस दिन चंद्रमा जिस स्थान पर होता है उस दिन वही नक्षत्र और राशि मानी जाती है। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन तक रहते हैं। तिथि वार च नक्षत्र योग करण में च पंचांगस्य फल श्रुत्वा गंगा स्नान फल लभेत। आदिकाल में ही इस श्लोक के माध्यम से पंचांग को परिभाषित किया है। तिथि पंचांग का पहला अंक तिथि है, जो 16 है। इनमें पूर्णिमा और अमावस्या दो प्रमुख तिथियां हैं, जो दो पक्षों का निर्धारण करते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों तिथि माह में एक बार आती है। नक्षत्र नक्षत्र 27 होते हैं, लेकिन एक मुहूर्त अभिजीत नक्षत्र है जो शादी विवाह के समय देखा जाता है। इसे मिलाकर 28 नक्षत्र भी कहे जाते हैं। योग 27 होते हैं। मनुष्य के जीवन में योग का बहुत महत्व है। करण 11 होते हैं। 4 स्थिर व 7 परिवर्तनशील है। वार सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जो रविवार से शुरू, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार पर खत्म होते हैं। पंचांग के 5 अंग, तिथि, हिंदू काल गणना के अनुसार चंद्र रेखांक को सूर्य रेखांक से 12 अंश ऊपर जाने के लिए जो समय लगता है वह तिथि कहलाती है। एक माह में 30 तिथियां होती हैं और ये तिथियां दो पक्षों में विभाजित होती हैं। शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। तिथि के नाम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा। नक्षत्र। आकाश मंडल में एक तारा समूह को नक्षत्र कहा जाता है। इसमें 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रहों को इन नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। 27 नक्षत्रों के नाम अश्विन नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृच्छिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभेषा नक्षत्र, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। वार। वार का आशय दिन से है। एक सप्ताह में 7 वार होते हैं। ये 7 वार ग्रहों के नाम से रखे गए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। योग। नक्षत्र की भांति योग भी 27 प्रकार के होते हैं। सूर्य चंद्र की विशेष दूरियों की स्थितियों को योग कहा जाता है। दूरियों के आधार पर बनने वाले 27 योगों के नाम विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगन, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यातिपात, वर्यान, परेघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधृति। करण। एक तिथि में 2 करण होते हैं, एक तिथि के पूर्वार्ध में और एक तिथि के उत्तरार्ध में। ऐसे कुल 11 करण होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वनिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किसोघ्न। विष्टि करण को भद्रा कहते हैं और भद्रा में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है। पंचांग के माध्यम से समय और काल की सटीक गणना की जाती है। पंचांग मुख्य रूप से 5 अंगों से मिलकर बना होता है। ये 5 अंग तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण है। यहाँ हम दैनिक पंचांग में आपको शुभ मुहूर्त, राहुकाल, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, तिथि, करण, नक्षत्र,
सूर्य और चंद्र ग्रह की स्थिति, हिंदू मास और पक्ष आदि की जानकारी देते हैं। पंचांग के पांच अंग। तिथि, हिंदू काल गणना के अनुसार चंद्र रेखांक को सूर्य रेखांक से 12 अंश ऊपर जाने के लिए जो समय लगता है वह तिथि कहलाती है। एक माह में 30 तिथियां होती हैं और ये तिथियां दो पक्षों में विभाजित होती हैं। शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। तिथि के नाम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा। नक्षत्र, आकाश मंडल में एक तारा समूह को नक्षत्र कहा जाता है। इसमें 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रहों को इन नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। 27 नक्षत्रों के नाम अश्विन नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। वार, वार का आशय दिन से है। एक सप्ताह में 7 वार होते हैं। ये 7 वार ग्रहों के नाम से रखे गए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। योग, नक्षत्र की भांति योग भी 27 प्रकार के होते हैं। सूर्य चंद्र की विशेष दूरियों की स्थितियों को योग कहा जाता है। दूरियों के आधार पर बनने वाले 27 योगों के नाम विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगन, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यातिपात, वर्यान, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधृति। करण, एक तिथि में 2 करण होते हैं, एक तिथि के पूर्वार्ध में और एक तिथि के उत्तरार्ध में। ऐसे कुल 11 करण होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वनिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तोघ्न। विष्टि करण को भद्रा कहते हैं और भद्रा में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। ज्योतिष के सभी अलर्ट्स और ट्रेंडिंग खबरों के लिए आपकी राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने किसी भी विज्ञापन के लिए हमारे चैनल से संपर्क करें। आपका दिन शुभ हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।